इफ गो थ्रू कीजिए, इफ करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन वेरीज विद टाइम एज आई ए प्लस बी टी, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन एवरेज करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टी इज वन इज इक्वल टू जीरो टू टी टू इज इक्वल टू जीरो सेकंड। देखो इस तरह के क्वेश्चन की काफी अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच कैसे रहती है, हमें पता होता है कि आई एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, ये अपना एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज करंट निकालने का। तो हम निकालते हैं यहां से, अगर आई एवरेज की बात करेंगे तो आई एवरेज क्या आ जाएगा, आई एवरेज आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी इंटू डी टी, लिमिट डालेंगे जीरो से टू और नीचे आ जाएगा डी टी, लिमिट आएगी जीरो से टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व करते मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा एक बार डायरेक्ट लिखने पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ए टी, एक टी, टी की जगह डालेंगे तो टू ए प्लस यहां पे लिखेंगे बी टी स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा बी टी स्क्वायर मतलब फोर बाई टू, तो ये भी आ जाएगा टू बी, यहां तक कोई दिक्कत। और नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो टी आएगा, वैल्यू डालेंगे टू तो टू टू टू, यहां पे आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में, मुझे ये दिख रहा है।